इनको 2 लाख रुपए देने की बजाय मरने के बाद छोड़ के जाना इनके लिए 2 लाख रुपए, इनको पढ़ाई दे जाओ। दूसरे के घर जन्म मैं पैदा जरूर हुआ हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। ये छोटे भाई हैं जो मेरे को अपने भाई नजर आते हैं इनमें। आंटी, इन दोनों की परवरिश में को कपड़े लीड़े को खाना पीना इनको कुछ चाहिए तो आप हमें बताओ, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अच्छा, प्लाट इन्हें नहीं, प्लाट इन्हें। अच्छा है, बच्चा कितने है? ओ वाहेगुरु वाहेगुरु। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो आप? क्या नाम है इसका? पिताजी कहाँ है इसके? ये बोलता है कि नहीं बोलता है? इसका ये बच्चा किसका है? ये भी मेरा है। स्कूल पढ़ता है? क्यों पढ़ता हूँ, इसके वजह से नहीं इसको करा पाए ना एडमिशन। नहीं, इसकी वजह से इसको क्यों नहीं करवा पाए? अब जो ये भी तो किस लिए? सरकारी स्कूल में डालो, फ्री पैसे है यहाँ पे। सरकारी में भी नहीं फ्री है। कौन से सरकारी में तुमसे पैसे मांग रहे? सरकारी ये 2400 रुपए लेते हैं। एडमिशन मैं दे देता हूँ, डालोगे इसको? डाल देंगे क्या? लग नहीं रहा कि तुम मदद चाहिए। मतलब तुम्हारे बच्चों के लिए घर आया था कि तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं। नहीं आंटी, आपने तो गरीबी में काट ली। देखो ये ना आपका घर है ना कुछ है, झोंपड़ी डाली। ये जगह आपकी है? किसकी जगह? किसकी है? अच्छा, किराए पे ली हुई है? नहीं, ऐसी रहती है। नहीं, किराया कुछ नहीं लेते। मैं तो इसीलिए आपके घर आया था कि ये जो अमीर लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चों को पढ़ा लिखाया जाए। इसके इलाज के लिए इसके पिताजी हमारे पास आते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम बैठते हैं। तो मैं तो घर आज इसके लिए कपड़े लेके आया था कि इसका पढ़ाई लिखाई कराएं, पर तो आपका मन ही नहीं है इसको पढ़ाने का। अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्यों नहीं लागे? क्यों नहीं डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इसका इलाज नहीं चलेगा। इलाज नहीं चलेगा मतलब दवाई ले जाओ घर में खिलाओ, उसकी सेवा करो। दवाई ले जाओ घर में खिलाओ। तो अभी आपको मदद चाहिए कुछ? क्या मदद चाहिए? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा है, देव में मतलब इसको प्लास्टर लगाने के लिए बोल रहे हैं, 15,000 रुपए इसका मांग रहे हैं। ठीक है, जो कह रहे कि इसको प्लास्टर। ये वैसे ठीक बातचीत कर लेता है? बातचीत सब कुछ कर लेता, चलता भी है। अच्छा, मतलब चलते चलते गिर जाता, झटके एकदम से पड़ता। कब से दिक्कत है इसको? ये साल हो गया इसको। अच्छा, 1 साल से ऐसे ही है? हाँ, नहीं तो उससे पहले ये ठीक था। पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया? पीजीआई वाले ने जवाब दे दिया, इसकी सारी रिपोर्टें भी पड़ी। वो क्या कह रहे हैं, पीजीआई वाले के इलाज नहीं हो सकता? इसका इलाज नहीं है, कहीं भी घूम ले इसकी दवाई नहीं है, इसका इलाज नहीं मिल सकता। फिर हम अब इसकी आपकी परिवार की मदद करना चाहते हैं, इन बच्चों की खासकर। क्या मदद कर सकते हैं आपकी, बताओ? नहीं देखो जी, पीजीआई वाले डॉक्टर ने जवाब देता। देखो जेडे आ छोटे मोटे डॉक्टर ने ना, इन्ना 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 तो हिसाब है कि कोई भी मरीज लियो किसी भी बीमारी दे नाल, वो ठीक कर देंगे क्योंकि उन्होंने पैसा चाहिए। पर जेडे पीजीआई वर्गे हॉस्पिटल ने ना, पीजीआई एक शहर जिन्ना वड्डा हॉस्पिटल है, जिन्ना समझ लो एक छोटा जगराऊं है ना, उन्ना वड्डा वो हॉस्पिटल है। जे उन्होंने उत्थे इन्हें जवाब देता कि ये बच्चा ठीक नहीं होना, तो फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल च भेज के तो समझ लो कि एक पैसे खराब करने वाली गल। हाथ का जो इलाज है ना, ये वधिया वड्डे हॉस्पिटल तो कितों करा लें, लुधियाने DMC वर्गे चो मैं पैसे लाँदा चंगा भी लगता। पर जे कोई गली का डॉक्टर, कोई गली के मोड़ते कोई डॉक्टर कहे जी मैं ठीक कर दूंगा, तो पैसे खराब करने वाली गल। तुम समझते हो इस गल ना, एक कोई टी शर्ट तो है नहीं आप हल्की पाली या महंगी पाली, ये बीमारी का काम है, इलाज का काम है, तो बच्चा होर खराब ना हो। हालांकि मैं तो खुद इन्हों के घर आया सीगा आ कपड़े लैके इन्हों देने लिए कि आ लो आ कपड़े है ने, ये लो ठीक है ये ले। पर रौला यह है कि मेरे को जो बच्चे की वीडियो आई, असं तो बच्चों लिए करते हैं ना, कोई भी खुश है? ठीक है। ये वाली ये भी दे दे तेरे को, ये तेरा भाई है? हाँ मंदी। इधर इसको देनी है कोई कि नहीं? इसको कौन सी देनी है? झटका मार दिया। उसको नहीं देनी ना, चलिए दे देते हैं इसको। क्या देना उसको? ये दे दे। हाँ। ये तूने लेनी किसको देनी है? है? किसको देनी है? चल ये दे देते हैं इसको, ये ले बेटा तू ले जा, ये ले 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 तो नहीं। अच्छा ये ले सारा तू रख ले, ये ले उधर रख ले सारा। इन्हें घर कोई शराब शरूब तो नहीं पींदा? ये मैं 5,000 रुपए दे के जा रहा हूँ तुम्हें इन बच्चों के लिए, ये 5,000 रुपए इनके ऊपर ही लगाना है। ये पकड़ो, इनको परवरिश में दोनों में अच्छा कराओ, पढ़ाई लिखाई कराओ, पढ़ाई का सारा खर्चा हम करेंगे। देखो ये बच्चे आपके पढ़ जाएंगे ना तो मेरे को कोई आपसे पेंशन नहीं चाहिए। पर हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरु ने सिखाया है कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो किसी की मदद करो, तो मैं वो सिक्ख्या लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाना लिखाना है, हम हमेशा आपके लिए बैठे हैं। आपके जो हस्बैंड है वो हमें मिलते हैं, तो आपके घर आने अच्छी लगता है। कितने ओड़े ओड़े कौन है ये कौन है? ये मंदीप। मैं इधर भाई है, इसको ले जाऊं मैं? हाँ ले जाओ। इसको ले जाऊं?
वो कह रहा है इसको नहीं लेके जाना, तू बोल रहा उसको ले जाओ, ये तेरे को प्यार करता है, इसको दौरा पड़ता है, दौरा पड़ता है, चलता रहेगा, दो कदम चलेगा एकदम ऐसी झटके मार के गिर जाता है। एक बार इसको अगर मैं दिल्ली चेक करवाऊँ तो दिल्ली जाओगे? चले जाएंगे। चलो मैं इसके बात करता हूँ डॉक्टर से, अगर इसकी बीमारी का कोई इलाज दिल्ली में है हम कोशिश करते हैं, पैसों की कोई परवाह नहीं, बहुत पैसा परवाह है कि बच्चा ठीक होना चाहिए, पर मेरी बेनती है तुम माताओं को, तुमने तो जिंदगी काट ली, अब तुम्हारी उम्र हो गई, बुरा मत मानना, तुम्हारी उम्र हो गई, अब इन बच्चों की जिंदगी शुरू हो रही है, इनको पढ़ा लो। अभी क्या काम करते हो तुम लोग? हम तो कबाड़ का काम करते हो ना। देखो फिर भी बुरा मत माना, काम को छोटा बड़ा नहीं होता, पर कबाड़ का काम करके तुम बड़ा महल तो बना नहीं लोगे। ये बच्चा अगर पढ़ गया, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा महल बना लेगा, तो अपनी जो तुम्हारे आगे वाली पीढ़ी है ना, इनको 2 लाख रुपए देने की बजाय मरने के बाद छोड़ के जाना इनके लिए 2 लाख रुपए, इनको पढ़ाई दे जाओ कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई पे है, पढ़ाई पे जो पैसा लगाना हम लगाएंगे। हम पहले जट पढ़ते थे ना मंदीपुर में, तो पहले मैडम जी दो केक खिलाते थे। वाह जी वाह, तू जाएगा दोबारा स्कूल? हां जाऊंगा। इसको पढ़ाओ, देखो दुनिया की दवाई में कोई ताकत हो ना, उसकी दुआ में जरूर ताकत है। भगवान के आगे हम भी दुआ करेंगे, आप भी भगवान के आगे दुआ करो, जिसको भी मानते हो भगवान को, कि ये तो पढ़ता रहे, हां ये ठीक हो जाए। इसको पढ़ाओ, इसकी जिंदगी मत खराब करो, ये बच्चे की सुन ली, ये आंटी बच्चा कभी नहीं पढ़ना चाहता, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता था छोटा होता था जब। मेरी गल सुनो, मेरी तुसी मैनूं जानदे हो, मैं कोई हीरो बनने तां इत्थे आया नहीं है ना, जे मैं कुछ करन आया तां मेरी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा किसे दा भी होवे ना उह पढ़ना चाहीदा, मेरा होवे इन्हां दा होवे किसे दा भी न्याणा होवे, न्याणे दा की कसूर है यार, कल नूं मैं इन्हां दे घरे जम पैंदा मैं की कर लैंदा रब दा, जे मैं एक चंगे घर च जम्मिया तो अपनी जिम्मेदारी है कि अपने को 4 पैसे ने इन्हों पढ़ाईए। हूँ मैं तो देखो इन्हों 5000 रुपया भी देता, कपड़े भी लैते, हूँ स्कूल तो छड़न इन्हें नहीं जाना, मैं स्कूल तो नहीं छड़ के आ सकता, हूँ एक कहते 2400 एडमिशन है, अब 5000 चो 2400 एडमिशन दे के इन्हों पा स्कूल, उस तो बाद कोई पैसे लीड़े चाहिए इन्हों, कोई दिक्कत हैगी तुम इन्हों नाल बिठा के मोटरसाइकिल मेरे को लैके आओ, फिर भी नहीं है सुनते, फिर इन्हों के माड़े कर्म हूँ, जे खुद मैं तुर के इन्हों घर आके इन्हों नोट दे रहा, इन्हों का इलाज करा रहा, या इन्हों की पढ़ाई करा रहा, जे फिर भी नहीं कराते, मेरा कर्म तो पूरा हो गया, तुहाडा कर्म पूरा हो गया, तुसीं इन्हां नूं 2 वारी कह देना, मोटरसाइकिल चक के इन्हां नूं कह देना हाँ भाई जाणा नाल उत्थे, ये नहीं मनदे, फिर ये आप तो भुगत ही रहे ने, इस घर दे विच रहना बिना मीटर तो फ्लैश तो तुहानूं लगदा सौखी जिंदगी है? औखी जिंदगी है ना, कट तो रही ने, समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? भाषा समझ आ रही है ना मेरी? मैं दूसरे के घर जन्म मैं पैदा जरूर हुआ हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, इस ये छोटे भाई हैं जो मेरे को अपने भाई नजर आते हैं, इनमें ये भी मेरे भाई हैं, तो मेरा तुम्हारे घर आने का मतलब है कि इनको पढ़ाई लिखाई कराओ, अगर इसकी बीमारी का इलाज होता हो मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है? दिल्ली चलन का जिंदगी भर नाम लेंगे। नहीं मेरा नाम नहीं लेना आंटी, भगवान का नाम लो। अब आखा जैसे परमात्मा रूप भेद दी ने तो आएगा। हाँ भगवान भगवान ही है, हम तो कुछ भी नहीं है, पर मेरी तुम्हारे आगे बेनती को, दुनिया बहुत बड़ी है, ये यहाँ पर सब मतलब वाले रिश्ते नहीं है, ये कलयुग है मान लिया, दुनिया गंदी है मान लिया, पर सब ऐसे नहीं है, हाथों की 5 उंगली भी बराबर नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, मेरी भी किसी ने मदद की होगी तभी मैं आज कर रहा हूँ ना, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपका नाम नहीं जानता, पहली बार आपके घर आया हूँ, सिर्फ इस बच्चे की वीडियो देखी मैंने, घर पर ये लेटा हुआ है, इसके पिताजी मेरे पास आके रो रहे थे तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, इसीलिए इसका इलाज के लिए तुम वीरे तुम महल वाले हो, तुम तो ध्यान रखियो, ये ना हो कल ये बंदा कहे जी साड़ी इंसानियत के नाते किसी ने बांह नहीं फड़ी, मैं इन्हें घरे इन्हों की बांह फड़न आया, ये बच्चों पढ़ाई लिखाई तो महल च कोई होर भी जो कोई दुख दर्द किसी को दवाई बूटी को इलाज की जिम्मेदारी चाहिए है साड़ी सानू मिल लो अं करा देंगे, बाकी ये दोनों जवाकों की जिम्मेदारी हूँ थोड़ी, ठीक है? जे नहीं मनते नहीं सुनने फिर तुम मैं दस दौ, फिर जिदा भुगत रहे भुगती जाएंगे, आप अपना कर्म करिए, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, मेरा नंबर आपके हस्बैंड के पास है, मिलना हुआ मेरे को मिल लेना, इनको पढ़ाई लिखाई करा लो, इसके इलाज के लिए मैं दिल्ली बैठता हूँ, कल एडमिशन करा देंगे, हाँ कल एडमिशन करवा दो इसकी जाति, ठीक है बेटा बाय, इसका तो अभी कोई करेगा नहीं, बाय, ठीक है तू, कितना प्यारा बच्चा है, डॉक्टर के कहने से नहीं कि ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो, इसको जिसका भी नाम लेते हो राम राम चाहे वाहेगुरु जिसका भी नाम तुम मानते हो इसको इसके कान में डाला करो, वो नाम भगवान को थोड़ा तंग करोगे ना तो भगवान भी तंग होगा, इसको आशीर्वाद देगा अपना ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक, तो ठीक है हनुमान के सारे नाम लेते हैं पुत्र, हनुमान जी का नाम लेते हो, बस हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी करवाओ इसको, हनुमान चालीसा इसको बुलवाया करो या खुद बोल के इसके कानों में डालो, ठीक हो जाएगा, ये भगवान से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में,
अगर वो ठीक करने पे आ गया तो किसी की ताकत नहीं खत्म करने की। दुआ दवा एक ही बात है। हाँ, जहाँ जिसका पानी पीना तो जाने है भगवान नहीं है तो कोई नहीं है तो भगवान है ना अंकल, है ना? हाँ, भगवान है, भगवान है, कोई नहीं अगर उसका भगवान है। भगवान है बेटा, जिसका कोई भी नहीं उसका भगवान है। कितना समझदार है ये, हम तुम्हारे जैसे भी ये बातें नहीं कर सकते जो ये कर रहा है। इसके लिए इसकी सेवा करो, भगवान तुम्हारे घर में खुद आए हुए हैं, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, इनकी सेवा करो। ये जो सड़ने वाले हैं ना गली मोहल्ले में इधर उधर वाले, ये सड़ सड़ के मर जाएंगे। सही बात। किसी को तुम मत देखो, तुम अपना अच्छा कर्म करो, ठीक है? इसका ध्यान रखो। इस दिन दोनों की परवरिश में तुम्हें कोई दिक्कत आती है हमें बताओ। चुप। आंटी, इन दोनों की परवरिश में को कपड़े लीड़े को खाना पीना इनको कुछ चाहिए तो आप हमें बताओ, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक है बेटा? ठीक है अंकल। ओके बेटा, ध्यान रखना, मैं तुझे दोबारा मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू। ठीक है आंटी, ध्यान रखना, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, नहीं तो मेरा नंबर है आपके घर वाले के पास, आपके घर वाले के पास। हमारी जिंदगी सुखी रहे बच्चा। शुक्र है, शुक्र है। आप सबके लिए भला मांगा करो कि भगवान सबका भला करे। हम तो यही रात दिन बैठे रहते हैं। सब सबके भले के लिए भगवान को बोला करो कि भगवान सबका भला दे, शायद ये सुनकर हमें भला दे दे। हाँ, वो देखो भगवान सारे का भला करता। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत होगी मेरे को मिल लेना। तुसी भी मल्ले वाले, मेरी बेनती है यार, इदा दे अपने आले दुआले झाती मारा करो, बाकी सब झूठ है कई सच है। देखो तुसी सारे छत्तां वाले हो, सारे के घर की छत है, इन्हें कहीं छत है नहीं, तो इन्हों की मदद करो आले दुआले जे कहीं दुध पानी की कोई लोड़। मैं कहना लख माड़े होने यार, कई बार गुआढ़ी कहते हैं भाई माड़े ने, गाला कटते हैं, लड़ते हैं, वो उन्होंने करम है ना, अपना कर्म है। आए बच्चे बेचारे, इन्हों जो कोई चीज़ की कोई खड़ौने की कोई कपड़े की लड़ होंगी आपस से लै दया करो, नहीं लैके दे सकते मैनू मिल लो 7-9 मॉल टाउन बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे को मैं बैठदा, मैनू आके मिल लो।